वीकली अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये अपडेट हम हर वीक करते हैं। ये अपडेट एक एनजीओ के द्वारा की गई है जिसका नाम गौं सेवा परिवार हॉस्पिटल है। हमारी एनजीओ रामपुरा फूड डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में स्थित है। आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। इस वीकली अपडेट में हम बताते हैं कि हमने एक हफ्ते में जो जो रेस्क्यू किए, क्या हमारे जो गाय वंश या कोई भी अन्य बेजुबान जो हमारे हॉस्पिटल में रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके हेल्थ में क्या कोई डेवलपमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी हमने इस हफ्ते गाय माता या कोई बछड़ा या कोई भी बेजुबान खोया है, कितने हमने इस हफ्ते हमारे पास आए हैं, वो हम सभी आपको इस वीकली अपडेट में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीक की पहली अपडेट। हमने इस हफ्ते एक छोटे से पप्पी को बचाया, जिसको बचाकर हमारे दिल को इतना सुकून मिला। हमारे सेवक अगर वहाँ पर मौके पर ना पहुँचते, हो सकता था उस पप्पी की जान भी जा सकती थी। एक्चुअली उसका क्या सीन था कि वो झाड़ियों में फंसा हुआ था बारिश के कारण, और उसकी माँ भी उसे नहीं बचा सकती थी क्योंकि वो कांटेदार झाड़ियाँ थी। लेकिन हमारे कुछ सेवक आगे गए और उस पपी को बचाया। वेटनरी हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर की सलाह मिली कि इसको शेल्टर चाहिए। एक डेढ़ घंटे की शेल्टर देने के बाद और उसको गर्म दूध पिलाने के बाद उसको अब होश आ गया था, जिसके कारण हमने डिसाइड किया कि इस पपी को उसकी माँ के पास ही छोड़ कर आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। हमने इस हफ्ते नेशनल हाईवे 7 से गाय माता का रेस्क्यू किया, जो किसी ने घर से निकाली हुई थी और गर्मी के कारण वो एक जगह पर सीमित बैठ गए थे और अपना चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही थी। पता चलते ही मोहल्ला वासी ने हमें गौं सेवा परिवार को कॉल आई और कॉल रिसीव करते ही हमारे सेवक अंडर 10 मिनट वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचते ही हमने वहाँ पर देखा कि गाय माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि इसे गौं सेवा परिवार के हॉस्पिटल में लेकर आना चाहिए। मौके पर हमने वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर गए और उस गाय वंश को हमारे हॉस्पिटल में ले आए, और अब वो गौ माता हमारे हॉस्पिटल में ही अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही है। एक डेढ़ हफ्ते की अच्छी सेवा और डाइट, प्रॉपर डाइट मिलने के कारण वो हम आशा करते कि गाय माता अच्छे से चलने फिरने लग जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। ये अपडेट किसी भी बेजुबान या किसी गाय वंश के बारे में नहीं है या किसी भी रेस्क्यू के बारे में नहीं है। ये अपडेट गौं सेवा परिवार के हॉस्पिटल में हुए एक इवेंट के बारे में है। इस हफ्ते हमने शिवरात्रि के मौके पर गौं सेवा परिवार के हॉस्पिटल में एक चौकी रखी। हमारे सभी सेवादारों ने कपिला गौ माता की पूजा की और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस वीक की चौथी अपडेट हमारी रोड के रेस्क्यू के ऊपर है। रामपुरा फूल में मोड़ रोड के नज़दीकी किसी व्यक्ति ने गाय माता को बुरी तरह से घायल कर सड़क पर फेंक दिया और हमारी एक सेवादार ने हमें बताया कि यहाँ पर गाय माता है। मौके पर इंफॉर्मेशन मिलते हुए सभी सेवक वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गए। पहुँचते ही हमने देखा कि गाय माता के बैक साइड पर काफ़ी जख्म था। हमने गौशाला की मदद ली और एम्बुलेंस मंगाई तथा इसको गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में छोड़ आए। और इसी हफ्ते हमारे रामपुरा फूल के मशहूर बुक सेलर गुप्ता जी अपनी फैमिली के साथ गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में पहुँचे। उनकी सभी फैमिली हमारे गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में आई। उन्होंने गौ सेवा परिवार में हो रही सभी सेवाओं के बारे में जाना तथा गौ माता को सवा मनी पाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आगे बढ़ते हम पांचवी अपडेट के बारे में। पांचवी अपडेट हमारी एक गौ वंश के ऊपर है जिसके लग में काफ़ी इंजरी थी। डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी कि ये गाय माता बिल्कुल स्वस्थ है तथा अगर हम इसके प्लास्टर कर देंगे तो ये अपने चारों पैरों में खड़े होने में सक्षम रहेगी। तो अगर हमने डॉक्टर की एडवाइस मानते हुए ही उसके गौ माता के टांग में प्लास्टर किया तथा अब वह अच्छे से चल फिर रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी छठी अपडेट के बारे में। छठी अपडेट कैंसर वाली गौ माता के ऊपर है। अब हम इसे कैंसर वाली गौ माता नहीं कहेंगे, हम इसे फेवरेट कहेंगे क्योंकि हमारे सेवादारों ने इसका नाम फेवरेट रख दिया गया है। फेवरेट को ना ठुकराते हुए डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि फेवरेट का हमने इंसेमिनेशन करना चाहिए। इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कोई भी बेजुबान गहरी नींद सो जाता है
इंसेमिनेशन किसी भी बेजुबानों को तभी दी जाती है जब वह उनका कोई भी इलाज नहीं होता है। हमारी मैनेजमेंट को लगा कि हमारे पास कोई भी राइट नहीं है किसी भी बेजुबान की जान लेने का, तो हमने डॉक्टर की सलाह उस समय फॉलो ना की तथा हमने फेवरेट को अपने पास रखना ही सही समझा। और अब हमारे पास फेवरेट हमारे गाँव से परिवार के हॉस्पिटल में ही रह रही है और हम इसका ड्रेसिंग का खास ध्यान रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सातवीं अपडेट के बारे में। शिवरात्रि के मौके पर रखी हुई चौकी में बछड़े ने जन्म लिया। हमारे सेवादार ने सजेस्ट किया कि इसका नाम शिव रखना चाहिए क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और अब ये मरते दम तक गांव से परिवार के हॉस्पिटल में ही रहेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं हमारी इस वीक की आठवीं अपडेट के बारे में। आठवीं अपडेट हमारी इस वीक की इलायची के ऊपर है। इलायची हमारी बहुत ही प्यारी गौवंश है जो किसी कारणवश हमारे गाँव से परिवार के हॉस्पिटल में आ गई थी। जब ये हमारे पास आई थी तो इसकी हालत बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन अब हमने ट्राई किया था लेकिन हमारी इसकी काफ़ी केयर के बाद अब ये अपने पैरों में खड़ी हो रही है। नौवीं अपडेट भी हमारी गाय माता के ऊपर है जो हमारे पास पिंड कल्याणा से आई थी। जो व्यक्ति इस गाय माता को हमारे पास छोड़ के गए थे उन्होंने बताया कि उनको तकरीबन 6 महीने लग गए। वो भी दरअसल एक एनजीओ चला रहे हैं लेकिन उनके पास जगह की प्रॉब्लम है। वो एक समय में 10 से 12 ही गाय माता या कोई भी बेजुबान अपने शेल्टर के नीचे रख सकते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको गाँव से परिवार के हॉस्पिटल में ही छोड़कर आना चाहिए। गाँव से परिवार के हॉस्पिटल में आते ही हमने सबसे पहले गौ माता का एक्सरे वगैरह कराया। एक्सरे रिपोर्ट मिलते ही हमें पता चला कि गाय माता के सिर्फ जख्म है, ना कि इसकी हड्डी टूटी हुई है, क्योंकि गाय माता को देख कर लग रहा था कि इसकी हड्डी टूटी हुई है। बाकी हमने पिछली अपडेट में आपको बताया था कि हमारे पास एक बछड़ा है जिसका जबड़ा टूटा है। अब हम उसे जबड़ा टूटा हुआ वाला बच्चा नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोंदू बोलेंगे। हमने उसका प्यार से नाम बोंदू रख दिया है। बोंदू के जबड़े की सफाई हमारे सेवादारों के द्वारा रेगुलर बेसिस पर ही की जा रही है। इसी हफ्ते हमारे गाँव से परिवार में टोटल 5 से 6 बच्चों और बच्चियों ने जन्म लिया। दूसरी तरफ इसी हफ्ते गाँव से परिवार के हॉस्पिटल में खुशी ने जन्म लिया। खुशी एक बहुत ही प्यारी और सुंदर बछड़ी है जिसको देखकर हमारे सभी सेवादारों की आंखों में पानी आ गया। जो भी हमारा सेवादार तथा विजिटर आ रहा है उसके पास खुशी दौड़ी चली आती है और खुशी को हमारे सभी वॉलंटियर के तरफ से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। उधर शिव की माँ जी सभी बछड़ों को पा रही है क्योंकि किसी की भी इनमें से माँ नहीं है बजाय शिव के कि माँ का। हमने इसीलिए नाम दूध दारा रख दिया है क्योंकि उसकी माँ एक समय पर 4 से 5 लीटर दूध दे रही है। दूध दारा का दूध हम अपने किसी भी पर्सनल काम में यूज़ नहीं कर रहे, सारा दूध उन बच्चों के लिए ही छोड़ा जा रहा है। तो ये थी हमारी इस वीक के कुछ एक्टिविटी, कुछ इवेंट और कुछ अपडेट्स। अगर आप हमारे गाँव से परिवार के हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी बेजुबान पर आपको क्रूरता हुई नज़दीकी रामपुरफूट के इलाके पर नज़र आती है तो आप हमें तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।